सनाउल्ला आसिम अली की वालदा मोहतरमा मोहम्मद सालहे की बीवी मंगोवाल प्रेस क्लब के नायब सदर मंगोवाल न्यूज़ के सीईओ रोजनामा नया अंदाज की रेजिडेंट एडिटर हकीम मोहम्मद अरशद की मामूजाद बहन जो कि रज़ाए इलाही से वफात पा गई थी उनके कुल शरीफ का हतम पाक चक गिल की जामे मस्जिद में अदा कर दिया गया है जिसमें इलाके भर की अहम शख्सियात जिनमें सियासी समाजी मजहबी और मीडिया की अहम शख्सियात ने शिरकत की। हतम पाक का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। तलावत की सआदत जामे मस्जिद के खतीब कारी मोहम्मद शफी नात शरीफ की सआदत ताहिर अत्तारी ने हासिल की। वालदैन के हकूक़ के लिए खसूसी खताब अलामा सुहेल अहमद नक्शबंदी ने बयान किया। खसूसी दुआ कारी मोहम्मद शफी ने अदा रखना दे, चलो जुलम तो तू भी कीता रोजा नहीं रखिया तो दूजे का एहतराम करना तो शराब इस सेवा से मना की गई अकल से पर्दा पा दें इस सेवा से मना की है कि बंदे मछे पूरे तमीज नहीं होंगी कहते शराब पीती सी तो मैं अकल से पढ़ता पिया मैं समझ ही कोई नहीं आ रही आ फरमाते मैं उन्होंने पूछा फिर किया तू की उन्हें आख्या जी मैं मां को थप्पड़ मारिया मां जमीन से डिग पई रात सारी मैं सुता रहा सवेरे जिस नशा उतरिया तो बीवी मेरी कपड़े बनती है पई मैं क्या तू किधर चली है उस आख्या जरा मां का कातल है मैं रहना गवारा ही नहीं करती पूछा मां को क्या होया आख्या जालमा तेनू नहीं पता तू थप्पड़ मारिया सी कोल तंदूर भरदा सी पिया मां तंदूर विच डिगी है जल के राख हो गई है मैं उन्होंने मां के कातल कोल नहीं रहना कहते सारी जिंदगी हो गई है मैं तौबा भी की है माल सरों की राह दे छड़िया सारा कुछ खराद भी कर दिता है दिहाड़ी रोज़ा भी रखना राती अल्लाह की इबादत भी करना फिर जदों अज आ कोई ना कोई बंदा सुनेहा देन आ जाता बल्कि तेरा अज कबूल को नहीं होया मालक में दिनार गुस्से में आ गए और जालमा तू मां का कातल है तेरे रब आंदा इन ततीवा भी ना लगन गई एदा अदब ते एहतराम करी तू मां का गुस्ताख है तेरे नाल इंज ही होना चाहिए सी आ फरमांदे ने मैं गुस्से नाल आके गल आख के ते मैं भी वापस आ गया खैमे में आके सुता कमली वाले मेरी ख्वाब में फिर आ गए हुजूर ख्वाब में आए ख्वाब में आकर मुझे हुजूर ने नाराज हुए झिड़का मैनु आख्या ओ मालक में दिनार जी आका मेरे बंदे रब की रहमत ना उम्मीद करा बाप ने इसलिए किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में